तो YouTube गुरुजी चैनल दोस्तों, और मेरे पास देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास तीन तीन तरह का ट्राईपॉड्स है। एक तो जो है ना गोरिल्ला पॉड है, और दूसरा जो है ना एक ब्लूटूथ ट्राईपॉड है, और ये भी दोस्तों ब्लूटूथ ट्राईपॉड ही है। तो आज इस वीडियो में जो है ना इस तीनों ट्राईपॉड के बारे में बात करेंगे और थोड़ा ओवरव्यू बताएंगे, क्योंकि पिछला जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था दो का कंपैरिजन और नया ट्राईपॉड के बारे में, तो बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स आया दोस्तों। और इस वीडियो में इसका जो है ना गिव अवे के बारे में भी बात करेंगे, तो मेक श्योर करना वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, पूरा एंड तक देखना पूरा बात पता चलने के लिए। तो दोस्तों अब देखो, जब भी कोई YouTube चैनल चलाता है, या फिर अगर आप वीडियोग्राफी करते हो, या फिर Instagram के रील्स बनाते हो, या फिर स्नैक्स वीडियोस बनाते हो, कुछ भी अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, तो उसके लिए ट्राईपॉड एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो जाता है। जैसा कि अगर कोई व्लॉगिंग करते हो तो एसेसरी ट्राईपॉड्स की ज़रूरत होगा। तो ये तीन तरह का ट्राईपॉड के बारे में मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा और बताऊँगा किस टाइप के वीडियोज़ के लिए किस टाइप का ट्राईपॉड बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हमें छोटा वाला से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो कि ये इसको बोलते हैं गोरिल्ला ट्राईपॉड, और ऊपर में यहाँ पर आप अपना फोन को माउंट कर सकते हो, और जिस तरह से भी इसको चाहे तो आप जैसे ना एंगल एडजस्ट कर सकते हो, और नीचे वाला जो है ना जैसे चाहे आप रख सकते हो। नीचे चाहे अगर आपको जो है ना जमीन पे रख करके वीडियो बनाना है, टेबल पे रखना है, जिस तरह से रखना है आप जो है ना अपने हिसाब से एंगल कर सकते हो। इसको चाहे तो अगर जो है ना कोई विंडो उंडो में रहा तो कुछ इस तरह से दोस्तों देखो इस तरह से भी अपना फंसा करके भी रख सकते हो, मतलब मल्टीपर्पज़ यूसेज है इसका। और ये जो है ना ड्यूरेबल ज़्यादा है, ये अगर ऐसे गिर भी गया तो ये जल्दी नहीं टूटेगा, बशर्ते इस बाकी इन सभी ट्राईपॉड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा प्लास्टिक बिल्ड है ये दोस्तों, फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है, यहाँ पे रबरी चीज़ें दिया है, और इसको जो है ना पकड़ने में आसान रहता है, और व्लॉगिंग वगैरह चैनल करने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है, कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, मैं उसको जो है ना नीचे यहाँ पे रख देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा एक और कुछ इस तरह से जो है ना, ये भी दोस्तों ब्लॉगिंग के लिए बेहतरीन है, ये वाला ब्लॉगिंग के लिए भी अच्छा है, नीचे रख कर के भी अच्छा है, बशर्ते जो है ना इसका साइज़ बहुत ही कम है। ओके, तो अगर आपको छोटा सा स्लीक सा 250 रुपये में कम सस्ता वाला चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड आता है दोस्तों कुछ इस तरह से ब्लूटूथ माउंटेड जो है ना ट्राईपॉड है, इसको हम जो है ना कुछ इतना हाइट तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हाइट नहीं होता है। नीचे आपको जो है ना लेग्स है, तीन लेग्स के ऊपर आप जो है इसको ऐसे खड़ा कर सकते हो, और कुछ इस तरह का हाइट का टोटल आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोन माउंट कर सकते हो और ऊपर नीचे साइड जिस तरह से एंगल कर सकते हो। और दोस्तों जब आप बैक कैमरा यूज़ करते हो तो आपको जो है यहाँ पे एक मिरर मिल जाता है, इस मिरर को बेसिकली आप देख करके चेक कर सकते हो कि भाई मेरा फेस सही से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और जो है ना ये स्टील का बना हुआ है, नीचे प्लास्टिक और ऊपर का प्लास्टिक का बनाया गया है। और दोस्तों ये जो है ना ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और स्टैंड अलोन वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन आता है दोस्तों कुछ इस तरह से जो है ना, अगेन ये भी सिमिलैरिटी है, बट इसमें जो है ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मैं बता देता हूँ, जिसमें कि इसमें है बट इसमें नहीं है। अब इसकी बात करें तो ये वाला जो है ना रोटेशन पॉइंट जो है ना ये बहुत ही स्मूथ रोटेशन है, जिसमें कि ये वाला इसमें नहीं है। और यहाँ पे आपको नॉब मिल जाता है, छोटा सा मिरर इसमें भी मिल जाता है, स्टैंड अगेन ऐसा ही है, और दोनों में आपको दोस्तों यहाँ पे जो है ना ब्लूटूथ का बटन मिल जाता है। आप जो है ना दोनों का इसके अंदर में भी देखो, ये इस तरह से ब्लूटूथ का रिमोट मिल जाएगा, और जो ये वाला है इसके अंदर में भी एक छोटा सा ब्लूटूथ का रिमोट मिल जाएगा। तो दोनों में आपको ब्लूटूथ का मिलता है, बट वो जो गोरिल्ला पॉड है इसके अंदर में आपको ब्लूटूथ का रिमोट नहीं मिलेगा। और मेन एडवांटेज आपको है कि हाइट, ये कुछ इतना हाइट का आता है, अगर इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से हाइट आ जा रहा है, देख सकते हो दोस्तों, आपको जो है ना पूरा ऊपर तक यहाँ दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से हाइट है। तो हाइट में ये वाला में अच्छा है, और ये थोड़ा कम है हाइट में। ड्यूरेबिलिटी दोनों का ही ठीक ठाक है, अगर इसको कंपेयर करें तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, ये लेस ड्यूरेबल है। और स्टैंडिंग के हिसाब से अगर ज़्यादा देखें तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा स्टडी है, ये वाला उतना ज़्यादा स्टडी नहीं है। कलर में अगर ब्लैक और वाइट में, मतलब ब्लैक और स्टेनलेस स्टील के कलर में मिलता है, तो मैंने आपको पूरा बता दिया। स्टैंड में देखा जाए तो इसका क्वालिटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट इसका क्वालिटी प्लास्टिक का अच्छा लगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप स्टैंड अलोन वीडियो बनाते हो नॉर्मल हाइट रहा तो ये वाला आपको बेटर रहेगा, व्लॉगिंग भी करते हो साथ में तो ये वाला बेटर रहेगा। ये आपको पड़ जाएगा 700 से 800 रुपये तक के बीच में, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। ये आपको 250 रुपये के अंदाज में मिल जाएगा, व्लॉगिंग या फिर छोटा सा कम हाइट वाले के लिए बेहतरीन है। ये आपको करीबन 250, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा करीबन 650 से 700 हिसाब से दोस्तों, और इसको आप जो है ना ले सकते हो। और इसका जो है ना मेन एडवांटेज रहेगा हाइट,
तो आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जो है इसका गिव अवे लेना है तो मेरे चैनल पे इन तीनों प्रोडक्ट्स का गिव अवे अभी भी लाइव है, आप जा करके पार्टिसिपेट करके जो है इसको फ्री में जीत सकते हो दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त है, तीनों तरह का प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया हूँ, और भी ढेरों सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किया तो क्या कर रहे हो, करो अभी तुरंत, वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे लिख के बताओ कि भाई आपको इन तीनों में से कौन सा बेहतर लगा, आपको तीनों में से कौन सा फीचर बेटर लगा, आपको जो है ना कौन सा फीचर ज़्यादा लगता है यूज़ करने का रहता है, और बेसिकली जो है ना कौन सा फीचर आप अपने चैनल पे यूज़ करते हो, या फिर यूजुअली आप चाहे तो सिर्फ सेल्फी स्टिक की तरह भी इन तीनों को यूज़ कर सकते हो। तीनों की जगह जो है ना मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा सेल्फी के लिए, इन दोनों को ये सेल्फी के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इन दोनों में आपको जो है ना ब्लूटूथ रिमोट मिल जाएगा जो कि आप ऐसे करके खुद से ही फोटो खींच सकते हो। तो अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो वो कर सकते हो। और एक एक्स्ट्रा ट्रिप मैं बता देता हूँ जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको जो है ना लैंडस्केप हाइट का फोटो अगर पसंद है तो बेसिकली इसको जो है ना यहाँ पे फ़ोन लगा लो और हाइट में जाकर के फोटो खींचो दोस्तों, तो उसका जो है ना आपको जो है ना नज़रिया और जो क्वालिटी रहेगा फोटो का बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और दोस्तों मेरे चैनल पे जो है ना वीडियो एडिटिंग का आपको वीडियोस मिल जाएगा, फोटो एडिटिंग का भी चीज़ें मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएगा। तो जो भी कोई भी पर्सन अभी तक अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने को बनता है। कॉमेंट बॉक्स में मुझे जाके बताओ कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो में मिलेगा अच्छा, और बाकी मोबाइल का भी रिव्यू आने वाला है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। 5000 सब्सक्राइबर्स तुरंत कर दो, शेयर कर दो, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।